दोस्तों, मैं सुदेश कुमार आर्य, आप सभी का मित्र, आप सभी को 26 नवंबर संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, आज संविधान दिवस है और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जो इस देश के करोड़ों लोगों के मसीहा हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़े और इस देश का संविधान निर्मात्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस देश की आज़ादी, इस देश के लोकतंत्र को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए इस देश को संविधान अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का इस संविधान में योगदान इतना बड़ा है कि हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को बनाकर तैयार किया और ये तैयार करने में बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 141 दिन तो लगातार, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान निर्मात्री सभा के चेयरमैन होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको बड़ा मुश्किल से 141 दिन में लगातार काम करते हुए अपने सेहत का ध्यान न रखते हुए संविधान को देश को अंगीकृत किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान मसौदे को तैयार करने में लगभग 7692 संशोधनों के साथ 4835 संशोधनों को निरस्त किया गया और 2743 संशोधनों को समायोजित करते हुए संविधान में अंगीकृत किया गया। साथियों, संविधान सभा को बनाने के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर डेली 7 से 8 बार संविधान को बोलते थे, बताते थे और लगभग 20 से 25 बार संविधान का मार्गदर्शन एक दिन में करते थे। साथियों, जैसा कि संविधान सभा के तमाम जो वक्तागण थे, जो संविधान सभा के भाषण चल रहे थे, तो टीटी कर्मचारी जी ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि जो वर्किंग कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, उसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में 1 सदस्य जो थे वो त्यागपत्र देकर चले गए थे, 1 सदस्य की मृत्यु हो गई थी और 1 सदस्य बीमार रहते थे और 1 सदस्य अपने काम से बाहर रहते थे और 1-2 सदस्य हमेशा दिल्ली से दूर रहते। तो सारी जो जिम्मेदारी थी वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की कंधों पे आ गई और उन्होंने अपनी सेहत की चिंता ना करते हुए इस देश का संविधान बनाकर, समतामूलक संविधान बनाकर, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करके, इस देश की न्याय व्यवस्था को समान रूप से स्थापित करके इस देश को अंगीकृत किया था। साथियों, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के रूप में, संविधान निर्मात्री के रूप में, निर्माता के रूप में एक बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बार बार नमन करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के उन पूरे महान कार्यों को नमन करते हैं जो उन्होंने सबके हक के लिए किए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान का जो निर्माण किया, उन्होंने सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी लिंगों के लिए काम किया था और हमारे लिए बहुत गौरवान्वित वाली बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर तबका था उसको इस संविधान से लाभ हुआ। किसी भी समाज, किसी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब नीचे वाले पायदान के लोग उठकर ऊपर आने लगे और तरक्की करने लगे, तो देश तरक्की करता है। यही बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी। इसीलिए इस संविधान में सबसे ज़्यादा जो मानने वाले लोग हैं, वो कमज़ोर लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ। और वैसे तो इस संविधान सभी के लिए है, सभी के हित के लिए, सभी की रक्षा के लिए, सभी के कल्याणकारी विकास के लिए है, लेकिन इस देश की मनवादी ताकतों ने, जो 70 साल में पूंजीवादी सरकारें हैं, उन्होंने इस देश के इस संविधान को, समतामूलक न्याय व्यवस्था के संविधान को सही से लागू तक नहीं किया। यहाँ तक कि जिन लोगों के हित अधिकार इस संविधान में दिए निहित थे, उनको भी सही से सरकारों ने पूर्णतः इस लोगों के लिए लागू नहीं किए। साथियों, तो आज जो सत्ता, मनवादी सत्ता है, वो लगातार संविधान को कमज़ोर करने की बात करती है, संविधान के जो मसौदे हैं उनको कमज़ोर करके उनमें हेर फेर कर रही है। तमाम जो अधिकार थे कमज़ोर वर्गों के, जो सबसे नीचे पायदान पे थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि संविधान जो सरकारें हैं, वो संविधानी तौर पे जो चुनके आती हैं, वो भी संविधान के खिलाफ काम करके संविधान के विरुद्ध बात कर रही हैं और संविधान को बदलने की बात कर रही हैं। तो साथियों, अगर हमको संविधान को बचाना है, अगर संविधान को समझना है, संविधान को लोगों को समझाना है, तो हमको नुक्कड़ सभाएं, मंच, कैडर, सोशल मीडिया, तमाम तरह के प्लेटफॉर्मों से इस देश के आवाम को जागरूक करना पड़ेगा कि संविधान जब तक जिंदा है, देश की आज़ादी, देश का लोकतंत्र जब तक जिंदा है, तब तक इस देश के लोगों के हित जिंदा रहेंगे।
गरीब कमजोर लोगों के हित जिंदा रहेंगे, नहीं तो इस देश का जो मनवादी तबका है, जो बसवड़वादी तबका है, जो पूंजीवादी तबका है, इस देश के लोगों के जो कमजोर वर्ग के हिताधिकारों को खत्म कर देगा। तो साथियों, हमको पूंजीवादी सत्ताधारियों को दूर रखना है इस संविधान को बचाने के लिए। अगर हमको लोकतंत्र में सही सरकारों को, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और सर्वजन सुखाय, सर्वजन सुखाय की सरकारों को स्थापित करेंगे जो संविधान को मानती हैं, तो हमें लगता है इस देश का सबसे ज़्यादा हित होगा। तो साथियों, अगर हम संकल्प लें कि संविधान दिवस के रूप में अगर हम इसको समर्पित करते हैं, अगर आज संविधान दिवस को हम मना रहे हैं, तो हम संकल्प लें कि इस देश के लोगों तक इस संविधान की बातों को पहुंचाना ज़रूरी है। नहीं तो बाबा साहब की वो पीड़ा जो हमेशा रही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो बुरा, अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। साथियों, आज वही हो रहा है। इसलिए जो लोग सत्ता में हैं वो लोग बुरे लोग हैं, वो लोग इस देश के हित की बात नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ पूंजीवादी और वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग हैं जो इस देश की मानवता और इस देश की समता के, समतामूलक समाज के खिलाफ है, इस देश के हित के खिलाफ है। तो आप सभी की बड़ी भूमिका बन जाती है कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के महान दिन को मानते हैं, 26 नवंबर को मानते हैं, तो आप सभी लोग इस दिन के लिए संकल्प लें कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम सही सरकारों का चुनाव करेंगे, लोकतंत्र में जो मानने वाली सरकारों का चुनाव करेंगे, संविधान को समझने वाली सरकारों का चुनाव करेंगे और देश को आगे बढ़ाने वाली सरकारों का चुनाव करेंगे। तो साथियों, आप सभी को पुनः 26 नवंबर की संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों को और तमाम देश के महापुरुषों को नमन करते हैं जो उन्होंने ये महान दिन हमको दिया, इस आज़ादी से हमको नवाजा और 26 नवंबर का विशेष दिन हम सभी के लिए जीवन में लाए। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार, दिल से जय भीम, साधुवाद, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज़ आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।